नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। रानी पद्मावती पर बनी फिल्म पद्मावत के रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट से बैन की मांग को खारिज कर दिया है। इस फिल्म में राजस्थान की सबसे खूबसूरत और बहादुर महारानियों में शुमार पद्मावती की लाइफ को दर्शाया गया है। पद्मावती के अलावा भी देश में कई ऐसी रानी महारानी और राजकुमारियां हुई हैं, जो आज तक इतिहास के पन्नों में अमर हैं। ऐसी ही एक रॉयल लेडीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल की राजकुमारी नीलोफर 16 साल की उम्र में शादी करके हैदराबाद आई थी। उस जमाने की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार रहे निजम मोअज्जम जाह ने उन्हें अपनी बेगम बनाया था। इन्हें हैदराबाद का कोहिनूर कहकर बुलाया जाता था। यही नहीं, इनका नाम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार था और इंडिया आने के बाद इन्हें कई बार फिल्मों में एक्टिंग करने का भी ऑफर मिला, लेकिन इन्होंने हर बार उन्हें ठुकराया। हैदराबाद के निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान उस समय दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार थे। उनके बेटे मोअज्जम जाह से शादी के बाद नीलोफर की लाइफ बदल गयी। नीलोफर की मोअज्जम जाह से शादी सफल नहीं रही। हजार कोशिशों के बावजूद वो माँ नहीं बन सकी, जिस वजह से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आती चली गई। इसी दौरान नीलोफर की सबसे करीबी दासी की बच्चा पैदा करते हुए मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें इतना दुखी किया कि उन्होंने एक लेडीज हॉस्पिटल खोलने का फैसला ले लिया। नीलोफर द्वारा शुरू किया लेडीज हॉस्पिटल आज हैदराबाद के बेस्ट मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में शुमार है।